नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल शवगृह के। देर रात फिर एक हादसे में 1.5 साल के बच्चे ने अपने पिता को गवा दिया। आपको बता दें कि गुजरपुर गांव के रहने वाले ट्रक चलाने का काम करते थे जाबिर अलवी, महज 24 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है। जो है ट्रक खड़ा कर पेट्रोल पंप पर बताया जा रहा है, ट्रक खड़ा कर अपने घर की ओर जा रहे थे। बताया ये जा रहा है कि वो बाइक पर सवार थे तो पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद जाबिर अलवी की मौत हो जाती है। पूरा हादसा मंगलोरा चौकी के नजदीक हुआ है, करनाल यूपी बॉर्डर वो लगता है जहां पर यह हादसा बताया जा रहा है हुआ है। और गुज्जरपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है जाबिर अलवी, जो ट्रक चलाने का काम करते थे और पेट्रोल पंप पर ही ट्रक को खड़ा कर बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे जब ये पूरा हादसा हुआ। ऐसे में महज 1.5 साल की एक बच्ची उनकी बताई जा रही है, और ऐसे में उस बच्ची के सर से भी पिता का साया उठ गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी बहन की शादी जो है उसने करनी थी, उसी के ऊपर जो है परिवार चलता था, और कहीं ना कहीं परिवार का एक जो सहारा था, जो पूरा का पूरा रोजगार चलाने वाला था, वो कहीं ना कहीं इस हादसे में खत्म हो जाता है। ऐसे में रोजाना हादसे हो रहे हैं जिसके अंदर बहुत लोग अपनी जाने गंवाते हैं, और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि हिट एंड रन के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लोग टक्कर मारने के बाद या फिर जब अचानक से टक्कर हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन अस्पताल ना पहुंचाकर उस व्यक्ति को वहीं मरता तड़पता छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जिसके कारण भी जो है मौत हो जाती है, और शायद अगर उपचार मिले तो उन्हें बचाया जा सकता है। ऐसे में इस तरीके के हादसों से बचे, अपने वाहन पर भी कंट्रोल रखे और आसपास जो है गाड़ी देख कर चलाए। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने अपने दारा वालों ने बहुत ज्यादा खर्चा बताया, और गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे देगा मैडम। उसके पास 5,000 रुपए लेके आया, वो भी रात में पता नहीं किस किस से उधार रुपए 5,000 भी, लेकिन फिर कल्पना चावला में लेके आए। जब तक ये मान लो कल्पना चावला वालों ने थोड़ा ट्रीटमेंट किया, जैसा भी इनसे हुआ किया इन्होंने, लेकिन बचा नहीं पाए। कौन कौन है परिवार में से? परिवार में बूढ़ा बाप है बीमार, दो भाई है छोटे बच्चे, और जी बीवी है, और 1.5 साल की बच्ची होगी इसकी, और कमाई का कोई भी इसके पास साधन नहीं है। इसके पास ट्रक चलाते हैं? आयु ट्रक चलाता था। कौन से पेट्रोल पंप पर रात को खड़ा? पेट्रोल पंप पर ही खड़ा किया था वहाँ? हाँ, मंजीत के पेट्रोल पंप पे। हर रोज ऐसे ही? हाँ, करते थे। हाँ जी, हर रोज ऐसे ही। और वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाते थे? जी जी। तो कौन मार के गया, कोई पता लगा? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। वो कैमरे में जो देखेंगे उसके बावजूद ही कुछ पता चलेगा। कितने बजे का हादसा है, किस जगह? ये लगभग 11 बजे का हादसा है, रात का। जी सर। और किस जगह का है ये जगह? वही जो पेट्रोल पंप है। हाँ जी, मंगलोरा के पास, पुलिस चौकी के पास में ही है। तो ये बाइक पे था जाबिर? जी, ये बाइक से जा रहा था सर। कितने की उम्र का था? 23-24 साल की इसकी उम्र है सर। ट्रक चलाता था? जी, गाड़ी चलाता था। जैसे रोज गाड़ी खड़ी करके वहाँ से रेगुलर जाता था सर। गाड़ी कहाँ खड़ी की थी? मैं पेट्रोल पंप पे खड़ी कर रहा था, जो पेट्रोल पंप का मालिक है उसी की गाड़ी चलाता था। गुजरपुर जा रहा था अपने? जी जी, घर जा रहा था। पास में ही घर है, 2-3 किलोमीटर ही है, वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सर। तो हादसा पेट्रोल पंप से कितनी दूर हुआ? राइट साइड में हुआ, पेट्रोल पंप से पास में ही है। मार के भाग गया कोई? जी, अज्ञात वाहन से कोई मार के भाग गया। पकड़ा नहीं? सीसीटीवी में कुछ नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक देखा ही नहीं है सर सीसीटीवी में। अब यहाँ से जो होगा उसके बाद देखेंगे सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिफ है। तो वो बाइक पे अकेले थे? दो थे सर। दो थे, दूसरा कैसे? दूसरे की तबीयत? अभी उसकी तबीयत, उसको भी चोट लगी है, वो भी स्क्रैच वगैरह हुई है, दवाई ववाई लेके घर गया है अभी। किसे लगभग लगभग 150 मीटर के करीब का हादसा है ये, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास से रात को। दो लड़के हैं, एक जाबिर है, एक साहिद है। यह रोज की तरह अपना ट्रक पे काम करके, ट्रक को पेट्रोल पंप पे खड़ा करके, तो ये अपने बाइक से घर जाते हैं, गुजरपुर गांव पड़ता है इनका। तब ये वापस जा रहे थे गुजरपुर, ये तो हमारे एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उस पेट्रोल पंप के पास जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पीछे से कोई अज्ञात वाहन आता है और इनको टक्कर मार लग जाती है। जैसे ही पता लगता है पुलिस को, हमें भी इन्फॉर्म हो जाती है, हम इनको लेके यहाँ पे अमृतधारा आते हैं। अमृतधारा में वो थोड़ा पैसे पूसे का ज़्यादा होने की वजह से तो उन्होंने जवाब दिया, तो फिर इनको लेके कल्पना चावला में लेके पुलिस ही आई थी इनको ले। यहाँ पे इलाज कर रहे थे, जब डॉक्टरों ने भी यहाँ से इनको रेफर करने की कह दिया था, जब वो कागज़ तैयार कर रहे थे उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई। दूसरा युवक ठीक है सर? दूसरा अभी शायद ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक, हल्की फुल्की चोटें हैं उसको भी,
चोटें तो हैं उसको भी, पर उसको पट्टी पट्टी करके फायरिंग कर दिया। आज पोस्टमार्टम होगा? अब पोस्टमार्टम कराएंगे। वाहन का बिल्कुल नहीं पता चला मैडम, अभी अज्ञात है, अभी पता नहीं लगा है हमें, लेट रात होने की वजह से और अब सुबह सुबह यहाँ आने की वजह से हम वो अभी चेक नहीं कर पाए। कैमरे वगैरह कैमरे सारे हैं वहाँ पे? कैमरे हैं जी वहाँ पे, पेट्रोल पंप पे भी है, चौकी पे भी लगे हुए हैं, आगे अपना यूपी बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं। सर लगातार रफ्तार के मामले ही देखने को मिल रहे हैं जी, कुछ तो रफ्तार भी है, कुछ बार बार कहने के बाद भी है ना, खासकर मोटरसाइकिल चालक ना हेलमेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर हेलमेट का प्रयोग हो, बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट हो तो बहुत बचाव होता है, इस वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं।